टीवी इतिहास रे प्रथम सामना को आसला 2016 सर्जिकल स्ट्राइक रो प्रकृत वीडियो पाकिस्तान रो चारोटी आतंकवादी अड्डा उपरे घन घन आक्रमण आतंकर अंत पाई जुगलबंदी सेना ओ एनआईए रो डबल अटैक जारी रहिछि सेना रो ऑपरेशन अलाउड एपटे एफआई फंडिंग मॉड्यूल को भांगिला एनआईए अब अपराध नुहे परोक्षा प्रीति सुप्रीम कोर्ट सुनाइले गुरुत्वपूर्ण राय सहमति रे विवाहितांक सह शारीरिक संपर्क विनुहे क्राइम सर्वोच्च न्यायालय कहिले धारा 497 असंवैधानिक पत्नी को मालिक अनुहंती पति मोदी चैंपियन परिवेश सुरक्षा दिगरे काम पाई मिलित जातिसंघ पक्षरु चैंपियंस ऑफ द अर्थ सम्मान रे सम्मानित हेले प्रधानमंत्री सस्टेनेबल एनर्जी पाई कोचि विमान बंदर को भी सम्मान नॉलेज सोर्स को करंतु विश आज गूगल रो 20तम जन्मदिन डुडुल करी विश्ववासी को जणाइला धन्यवाद नमस्कार फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मु स्निग्धा टेलीविजन इतिहास रे प्रथम थर सामना को आसी सर्जिकल स्ट्राइक रो रियल वीडियो न्यूज 18 हाथ रे लागी सही सर्जिकल स्ट्राइक रो एक्सक्लूसिव वीडियो जहां पाकिस्तान भितरे पसी भारतीय सेना दुई वर्ष तले जो पराक्रम देखाइथिला तार ज्वलंत प्रमाण ए वीडियो सामना को आसीबा परे सर्जिकल स्ट्राइक को मिछो बोली कहुथुबा लोकों को मिलिछि मुतोड़ जवाब टेलीविजन इतिहास रे प्रथम थर सर्जिकल स्ट्राइक रो रियल वीडियो न्यूज 18 पाखरे एक्सक्लूसिव वीडियो भारतीय सेना रो पराक्रम रो दृश्य ये हुची सही वीडियो जेउथिरे पाकिस्तान रे पसी आतंकवादी ओ पाकिस्तानी सेना को मुहतोड़ जवाब देथिला इंडियन आर्मी ये हुची सर्जिकल स्ट्राइक रो रियल वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो प्रथमे लागिछि न्यूज 18 हातरे प्रथम थर पर सामना को आसी पाकिस्तान माटी रे भारत सर्जिकल स्ट्राइक रो प्रकृत चित्र वीडियो रे स्पष्ट भाव जना पड़ुछि जे भारतीय सेना केमिति पाकिस्तान रे आतंकवादी अड्डा उपरे करुछि घन घन आक्रमण जहां 2016 सेप्टेम्बर 29 रे भारतीय सेनार साहसिकता और पराक्रम ज्वलंत निदर्शन भारतीय सेनार आक्रमण रे नष्ट होइथिला पाकिस्तान रे थिबा आतंकवादी चारिटी अड्डा भारत रे सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान पक्षरु खंडन करा जाउथला किंतु ए वीडियो सामना को आसीबा सह पदारे पड़िछि पाकिस्तान रो मिछ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया पाकिस्तान माटी रे भारतीय जवान कर पराक्रम देखिले एवे आसंतु देखिबा भारत माटी रे आतंकवादी को मुतोड़ जवाब देबा को चलेथिबा ऑपरेशन भारत रे आतंक रो अंत पाई जारी रहिछि सेना ओ एनआईए रो जुगलबंदी सेना आतंकवादी को निपात करुछि एवं एनआईए बंद करुछि टेरर फंडिंग जम्मू काश्मीर रे सेना पालटिछि आतंकवादी को काल ऑपरेशन अलाउड माध्यम रे आतंकवादी को खोजी खोजी नरक को पठाउछंती जवान आ अन्य पटे एही आतंकवादी को पई होतिबा फंडिंग रो नेटवर्क को भांगिबारे लागिछि एनआईए जोथिरे एनआईए को मिली चली गोटे पर गोटे सफलता आतंकवादी हफिज सईद सलाह इंसानियत फाउंडेशन अर्थात एफआईएफ नेतृत्व में चली आतंकवाद फंडिंग मॉड्यूल पर्दाफाश कर एनआईए एथपाई एनआईए टीम दिल्लीर दरियागंज निजामुद्दीन और कुचा घासीराम चढ़ाउ कर चढ़ाउ एफआईआई तीन जन सदस्य को गिरफ्त करागला मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलीम और मामा सज्जाद अब्दुल बानी को गिरफ्त कला एनआईए 1,56,00,000 टंकार भारतीय मुद्रा और 43,000 नेपाली मुद्रा जबत हला एनआईए को 14 मोबाइल 5 पेन ड्राइव और हवाला सह जड़ित अनेक दस्तावेज मिली पाकिस्तान यूएई समेत अनेक देशरु हवाला माध्यम रे भारत को आसुथिला टंका
एनआईए रे तदंतरे जणा पडिला जे मोहम्मद सलमान दुबई रे रहुतिबा पाकिस्तानी नागरिकक सह जोगाजोग रे थिला जे एफआईएफ रो उपप्रमुखक सह संपर्कित एफआईएफ हाफिज सईद रो आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा ओ जमात उद दावा रो सहयोगी संगठन एवं हाफिज सईद 1990 रे करथिला एहार प्रतिष्ठा ए संगठन रो उद्देश्य हला आतंकवाद पई अर्थ संग्रह करबा पाकिस्तान रे ही संगठन अर्थ संग्रह करथिबार वीडियो अनेक थर सामना को आसीछि अमेरिका फलोहे इंसानियत को 2010 रे आतंकवादी संगठन भाबे घोषणा करथिला देशरे आतंकवाद नेटवर्क को भांगिबा पई गोटिए पटे एनआईए एवं अन्य तदंतकारी संस्था सबु लागी पडिछंती सेपटे सेना गत 12 दिन भितर 18 जन आतंकवादी को निपात करिछि आज सकाळे भी जम्मू काश्मीर रे 3 टी अंचल रे होछि एनकाउंटर एथिरे गाजीगुंड नूरबाग रे जणे जणे आतंकवादी निपात होइछंती सेपटे संघर्ष रे सेना रो जणे जवान मध्य शहीद होइछंती किंतु सेना ओ एनआईए रो डबल अटैक आतंकवादी को कमर भांगी देछि ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया मोदी चैंपियन आपण आश्चर्य होइथिबे किंतु एहा सत परिवेश सुरक्षा उपरे काम पई मिलित जातिसंघ पक्षरु प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ सम्मान रे सम्मानित करा जायछि ताहा हला चैंपियंस ऑफ द अर्थ एतिसह केरल रो कोचि विमान बंदर को मध्य सम्मानित करिछि मिलित जातिसंघ कण सत हेउछि नस्ट्राडामसक भविष्यवाणी कण विश्वस्तरीय नेता पालटी गलेणी नरेन्द्र दामोदर दास मोदी आउ कौन भविष्य सारा विश्व को बाट देखाइबो भारत ए प्रश्न एथिपाई कारण विश्वर सबुठ बड़ संगठन मिलित जातिसंघ परिवेश क्षेत्र में निजर सबुठ बड़ सम्मान दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करिछि सम्मानित प्राय 450 वर्ष पूर्व 1555 ख्रीष्टाब्दे विश्वविख्यात फ्रांस भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस निज बही दि प्रोफेसिस रे भारत पाई करिथिले किछि भविष्यवाणी जहाँ सत हो भि देखा जाउछी बही भारत रे जने महान व्यक्तित्व जन्म नेबा एवं भारत महाशक्ति हेबा ओ विश्व विजयी हेबा भली कथा लेखा अछि आउ लेखा अछि जे एशिया रे से सबु किछि हेबो जहाँ यूरोप रे भी होई पारिबो नाही जने शांतिदूत सबु राष्ट्र उपरे प्रभाव विस्तार करिवे प्रकृत रे कोन सेमिति हेउछि मिलित जातिसंघ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस रो राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन को सबुठारु बड़ परिवेश सम्मान रे सम्मानित करिछि आउ एही सम्मान हेउछि चैंपियंस ऑफ द अर्थ प्रधानमंत्री मोदी और माक्रोन को एही सम्मान पॉलिसी लीडरशिप विभाग रे दिया जायछि सोलार अलायंस और परिवेश सुरक्षा दिगरे कार्य करबा पई दुई नेता को दिया जायछि एही सम्मान माक्रोन को परिवेश पई विश्वस्तरीय चुक्ति करबा पई एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2022 जाए प्लास्टिक व्यवहार संपूर्ण भाव बंद करबा नै पदक्षेप नेबा पई सम्मानित करा जायछि परिवेश पई सबुठारु बड़ सम्मान भाव दिया जाउथिबा ही पुरस्कार 2005 रु आरंभ करा जायथिला अब एथर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को व्यतीत जुआन कलिंग चीन रो जिनजियांग ग्रीन रूराल प्रोग्राम कोचि अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर एवं बियॉन्ड मीट एंड इम्पॉसिबल फूड्स एमानंकु भी एही सम्मान मिलिछि मिलित जातिसंघ पक्षरु कहा जायछि जे एमाने उन्नत भविष्यत पई आजिकु परिवर्तन करुछंति केरल रे बन्या दुर्दशा भोगिथिबा कोचि अंतर्जातीय विमान बंदर को भी मिलित जातिसंघ सम्मानित करिछि एही विमान बंदर को सस्टेनेबल एनर्जी बा नवीकरण योग्य शक्ति पई सम्मानित करा जायछि एहा हेउछि विश्वर प्रथम संपूर्ण सौरशक्ति चालित विमान बंदर प्रधानमंत्री एही सम्मान को नै खुशी जाहिर करिछंति बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस सम्मान के लिए मुझे पसंद किया ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है ये सम्मान भारत की महान परंपरा का है जहां सदियों से हमें प्रकृति के साथ सहजीवन के संस्कार मिले हैं और मुझे खुशी है कि आज मानव जात प्रकृति के महत्व को स्वीकारने लगी है और उस काम में भारत पूरी तरह आपके साथ है दुनिया जो चाहता है उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है फिर एक बार ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है ये सम्मान सदियों पुरानी भारत की महान परंपरा का है और इसलिए मैं फिर से एक बार इस सम्मान के माध्यम से इस महान परंपरा को भी
नमन करता हूँ। एथिसह से कोची विमान बंदर को सम्मान मिलवा नहीं मध्य ट्वीट कर छंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कौनसे व्यंजन तयारी करिवा हेउ बा योगासन सिखिबा भाषार अनुवाद हेउ बा जे कोनोसे विषय रे कोनोसे भी सूचना संग्रह करिवा सबु पई आजिकाली आम समस्तक पाखरे गोटिए सल्यूशन आ ताहा हेउछि गूगल बाबा। हां आबे कोछु इंटरनेट सर्च इंजिन गूगल कथा जहा बिना एबेर समय रो जीवन रो कल्पना करिवा भी संभव नहि। आज सेही गूगल रो जन्मदिन 20 वर्ष रो होईछि गूगल आ ताहा को खास करिवा पई गूगल एक डुडल भी करिछि। How do you make avocado toast? When do the summer games begin? डुडुल करी जे कोनोसी अवसर को खास करूथिबा गूगल आजि निजरो 20 तम जन्मदिन रे भी गोटे डुडुल करी निजकु विश करिछि। आ कोटी कोटी लोकंक ठारु पाइथिबा फल पाइबा पई समस्तंकु धन्यवाद देछि। गूगल आजि एक एमिति ना जहा पिला ठारु नै वयस्कंक जाय समस्तंक काम रे आसुछि। केउठि भी केते बेले भी कोनोसी समस्या आसिले तो लोके कहुछंती गूगल बाबांकु पचार ताहा कोनोसी खास व्यंजन करिबा हेउ बा डांस स्टेप सिखिबा कोनोसी विषय रे सूचना संग्रह हेउ बा योगासन सिखिबा कोनोसी भाषा रे अनुवाद करिबा हेउ बा कोनोसी रास्ता खोजिबा सब प्रश्नर केवल गोटिए ही जवाब ज्ञानर भंडार हेउछि गूगल बाबा। सब समय रे सब प्रकार आवश्यकता रे काम रे आसुथिबा गूगल आजि पालटि जाइछि सारा विश्व पई ज्ञानर सबुठारु बड उत्स। एबे आसंतु जानिबा केमिति आरंभ होइथिला गूगल। आपा तो सेल्फी 1995 मसिया रे लेरी पेज ओ सर्जी बिन एहारो आरंभ करथिले। प्रथमे एहारो ना थिला बैकरप किंतु परे ना बदलाई रखा गला गूगल। जदियो डोमेन भाबे 1995 मसिया सेप्टेम्बर 15 तारिख रे पंजीकृत होइथिला गूगल किंतु सेप्टेम्बर 15 तारिख को गूगल निजर जन्मदिन भाबे पालन करे नाही। एहा पछरे कौन रहिछि कारण से कथा कहारी को जणा नाही। गूगल एजाए 4 भिन्न भिन्न तारिखरे निजर जन्मदिन पालन करि सारिछि। जदियो 2006 रु आजि जाए गूगल सेप्टेम्बर 27 तारिख को ही निजर जन्मदिन भाबे पालन करि आसुछि। जहा भी हो गूगल समस्तंकर पसंद एवं गूगल प्रतिपादरे सहयोग करबाकु थाए प्रस्तुत। तबे आपण भी ज्ञानर अथल समुद्रर सेलिब्रेशन रे शामिल होंतु आ पाद पादरे आपणकर साथ देउथिबा गूगल को बर्थडे विश करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। परोक्षिया प्रति बा व्यभिचार आउ अपराध विवेचित हेबो नाही एने थिबा 158 वर्षर पुरुणा आईन रद्द करि दैछंती सुप्रीम कोर्ट। आईपीसी दफा 497 कु असंवैधानिक घोषणा करिछंती। कोर्ट कहिछंती जे पति पत्नी को मालिक नहुंती साधारण व्यभिचार अपराध नुहे किंतु एथिपाई जदि केही आत्महत्या करंती एवं ताहा जदि प्रमाणित हुए तेबे एहाकु आत्महत्यार कारण बोली धराजिबो बोली स्पष्ट करिछंती सुप्रीम कोर्ट। व्यभिचार छाड़पत्र पाई एहा गोटिए कारण होई पारे किंतु अपराध नुहे। पति पत्नी और सेर संपर्क बा व्यभिचार आउ अपराध नुहे। विवाहोत्तर संपर्क बा एडल्टरी को अपराध श्रेणी रु बात देछंती सुप्रीम कोर्ट। व्यभिचार को अपराध संपर्कित आईपीसी दफा 497 ओ सीआरपीसी रो दफा 198 को असंवैधानिक घोषणा करिछंती सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस दीपक मिश्रंक नेतृत्वाधीन पांचजणिया खंडपीठ सर्वसम्मति क्रमे एही गुरुत्वपूर्ण राय देछंती। एही ऐतिहासिक राय सुनाई सुप्रीम कोर्ट कहिछंती जे महिलांक इच्छा अधिकार और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता। स्वामी महिलांक मालिक होई परिबो नाही तेणु महिलांक जौन जीवन रो रुचि रे बाधा सृष्टि करा जाई परिबो नाही। This will put an end to reckless misuse of the prosecution provision regarding adultery. This will render peace to ever so many families. All the pending prosecutions on the ground of adultery in the country will come to an end by today's judgment. And the judgment will enhance the very praxis of liberty, individual liberty in the nation. Court kahile stiloko mane should not be treated as chattel. कोर्ट यहाँ मध्य कहिले एट बेस्ट इट कैन बी कन्सीडर एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स ऑफ अनहैप्पी कपल्स। कोर्ट कहिले इट्स हाई टाइम स्त्री लोक मानक भारत सोसाइटी रे दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेट्स। कोर्ट यहाँ मध्य कहिले इट्स हाई टाइम द सोसाइटी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग
men and women equally. तेणु कोर्ट आज डिक्रिमिनलाइज करदे रादर दैन मेकिंग एडल्टी ए क्राइम फॉर द वुमेन आल्सो। तबे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करिछंती जे व्यभिचार छाड़पत्र भित्ति हो रहा आत्महत्या को उस्काइबा मामला भी रुजू हो पार। मुझे खुशी है कि आज हमने इसका इसे खत्म किया और कुछ नए रास्ते पे चली है कंट्री। हम पहले से कहते हैं हमें इक्वल राइट्स हैं विमेन को, लेकिन कुछ ऐसे लॉज थे जो इक्वलिटी कहीं दिखती नहीं थी वहां पर। फाइनली वी आर थिंकिंग ऑन द इक्वल टर्म्स, इट्स गुड। अगस्त 8 तारीख रे सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक खंडपीठ मामलार सुनानी करी राय संरक्षित रखिथिले। केंद्र सरकार कोर्ट रे निजर मत रखिथिले, कहिथिले जे व्यभिचार अपराध आउ एथि जोगु परिवार भांगी जिबा सह विवाहर पवित्रता नष्ट हुए, किंतु ए बाबद रे सुप्रीम कोर्ट को उपरे चुरांत निष्पत्ति छाडीथिले सरकार। आईपीसी दफा 497 अनुसार जदि केही विवाहित पुरुष कौनसी विवाहित महिलांक सह तांको स्वामींक बिना इच्छारे दैहिक संपर्क स्थापन करती तेबे ताहा अपराध भावे विवेचित होउथिला, किंतु एही धारा भेदभावपूर्ण बोली दर्शाई एहाकु सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करा जाइथिला। एस जोसेफ नामक व्यक्ति दायर करिथिले जनस्वार्थ मामला। तांकर जुक्ति थिला जे आईपीसी धारा 497 केवल पुरुषंकु दंड विधान पई उद्दिष्ट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बांधकळारे देश विदेश रे बेस ना करिछि सुवर्णपुर जिला। स्थानीय बुणाकारंकु प्रोत्साहित करबा पई अनेक योजना करिछंती राज्य सरकार। सरकारी सहायतार सठिक उपयोग करि संपन्न होइछि सुवर्णपुर जिल्लार गोटिए पुराका। नुवा कौशलरे साढ़ी बुणी आर्थिक भावे संपन्न होइछंती सोनपुर ब्लॉक सागरपाली गांव अधिकांश परिवार। देखिबा सत्यवान पुरोहित को रिपोर्ट। आउ थकु नाही हात। सरकारी प्रोत्साहन सांगकु लोकंकर निरंतर उद्यम बदलाइ देछि ए पूरा गाँव चित्र। सुवर्णपुर जिला सोनपुर ब्लकर सागरपाली बुणाकारंक गाँ भावे जिले रहिछि स्वतंत्र परिचय। गाँव प्राय सबु परिवार हस्तशिल्पकु नेइ करुछन्ति जीविका निर्वाह। हातरे तंत बुणि साड़ी तयारी करिबारे एमाने सिद्धहस्त। पुरुणा ढांचारे मासकु मात्र 2-3 खंड साड़ी बुणि बहु कष्टरे चलुथिले। कौलिक वृत्ति आड़ मुह फेरई आणुवा बेले सहायतार हाथ बढ़ाई राज्य सरकार। जिला बयनशिल्प विभाग पक्षर मिलला अत्याधुनिक तंत सामग्री एथसह सहायता राशि, जहाँफल एवं मसकु 7-8 खंड साड़ी बुणि पारे आउ लाभवान होती। बुणा तो ठीक हो बुणा लगे आम शाढ़ी उपकृत होकर बिक्री भांगी आम ठीक हो आम सब रहा छटा आमर बुणा तंत सब पाइछु। मंगा सामान टे पाइछु आ सोलर लाइट टे पाइछु आ मंगा रसे कंक्रीट करबा लई सेटा भी पाइछु। राज्य सरकार नो जहा किछि भी पाइछु सब ओइसनी भरल लागि होसे। बुणाकारंकु सरकारंक पक्षरु सोलर लाइट सह मंगा सामग्री मिलिछि। मंगा साळ कंक्रीट करण पई मिलिछि आर्थिक सहायता। गाँव प्राय 450 बुणाकार राज्य सरकारंक ठारु पाइछंती मंगाशाळ सामग्री। प्रथम पर्यायर बुणाकारंकु आधुनिक बुणा सामग्री दे प्रशिक्षण दिया जाइथिला। परे सेमाने संबलपुरी लुगा बुणी विभिन्न सोसाइटी माध्यमरे बिक्री करुछंती। राज्य सरकार द्वारा आमे सबकी सुविधा पाइछु। मंगा कंक्रीट सोलर लाइट एवं लुगा बुणा सब सुविधा पाइछु। राज्य सरकार सुविधा विभिन्न समय रे आम विभाग तरफ बुणाकार भाई भणी मानू सोलार लाइट कंक्रीट एसन लुमपिट हस्तंत सरंजाम प्रभृति जोगे दौचु। फल बुणाबुणी कम टे बढ़ी जापर आर्थिक स्थित स्वच्छल पर हो। सरकारी सहायता और तार सठिक विनियोग कर राज्य में निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर सागरपाली गाँ जिलार अवहेलित बुणाकारों पर भी पलटि अनन्य उदाहरण। सुवर्णपुर सत्यवान पुरोहित न्यूज 18 ओडिया। आज मध्यरात्रु 24 घंटा पर मिलनी औषध। ऑनलाइन औषध व्यवसाय को विरोध कर सर्वभारतीय केमिस्ट ड्रगिस्ट संघर बंद डाकरा को समर्थन जनाई राज्य संघ। महानगर समेत राज्यर समस्त छोट बड़ दोकान बंद रेबे जरूरकालीन सेवाई डाक्तखाना परिसर में मिल औषध।
24 ঘণ্টা পাই মিলিবনি ঔষধ। গুরুবার রাতি 12টা রু শুক্রবার রাতি 12টা যায় বন্ধ রহিব সমস্ত মেডিসিন স্টোর। অনলাইন মেডিসিন ব্যবসায়ীকে বিরোধ করে সর্বভারতীয় কেমিস্ট ও ড্রগিস্ট আসোসিয়েশন দেইথিবা বন্ধ ডাকরাকু স্বাগত করিছি উৎকল কেমিস্ট ও ড্রগিস্ট আসোসিয়েশন। ফলে রাজ্যের 22,000 সহ দেশের লক্ষাধিক ঔষধ দোকান বন্ধ রহিব। অনলাইন ব্যবসায়ী যোগু দেশের 10 লক্ষ ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অভিযোগ করেছে সংঘ। তেণু শুক্রবার অনলাইন ঔষধ ব্যবসায় উপরে রোক পাই প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী উদ্দেশ্যে দিয়াযিব দাবিপত্র। আজি রাতি 12টা রু কালি রাতি 12টা পর্যন্ত ঔষধ দোকান সব বন্ধ রহিব। রাজ্যের প্রায় 22,000 দোকান এতে সামিল হচ্ছেন। ইমরজেন্সি পাই আমি এয়া করছু, যেমন আপনার দেখুছেন সরকারি ও বেসরকারি হসপিটাল ক্যাম্পস ভিতরে তাঁকু কুহাযাইছি তুমি হাফ শটর ডাউন করি, কেবল ইমরজেন্সি ঔষধ, কেবল ইমরজেন্সি ঔষধ হি লোককু প্রোভাইড করিব। মহানগর সমেত রাজ্যের সমস্ত শহরে খোলিবনি মেডিসিন স্টোর। সম্বলপুরের অন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মধ্য বন্ধ রাখাযিব বলে জিলা চেম্বার অফ কমার্স পক্ষরু কুহাযাইছে। হামলোক 28 তারিখ শুক্রবার কে দিন ভারত বন্ধ কা কল দিয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইসমে সারি দোকানে দবাইয়ো কি দোকান হো ইয়া হোটেল হো ইয়া রিটেল ট্রেড হো ইয়া হোলসেল ট্রেড হো, জো ভি ব্যাপার সে সম্বন্ধিত চিজে হ্যাঁ ও সারি বন্ধ রহেঙ্গে। আমার ডিজিটাল ইন্ডিয়ার গোটে পার্ট হিসাবরে কোরিয়র সর্ভিস আসিপারিব ঔষধ, সেটা গোটে ভুল চিন্তাধারা এবং তাকে আমি প্রতিবাদ করছু এবং সরকারকে আমি দৃঢ়ভাবে জনাইছু এ কথা, যদি সরকার আমার কথা ন শুনিবে বা কিছু ড্রাফট রুল চেঞ্জেস ন আনিবে আমি সমূহ কার্যবন্ধ বা দোকান ইনডেফিনাইট বন্ধ করিবাকু বাধ্য হবু। সমস্ত ঔষধ দোকান বন্ধ করিবাকু উৎকল কেমিস্ট ও ড্রগিস্ট সংঘ নিষ্পত্তি নেইথিলে মধ্য ডাক্তারখানা পরিসরে ঔষধ মিলিব। ভুবনেশ্বরের ক্যামেরাম্যান পতিতা পাবন বেহরাঙ্ক সহ নিরুপমা বেহরা, নিউজ 18 ওড়িয়া। সমস্ত ফোকস পয়েন্ট কু এটি রাখা, অধিক খবর পাই লগ অন করুন নিউজ18ওড়িয়া.কম। নমস্কার।